वीडियो देख रहे सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे आणविक स्पेक्ट्रम के गुणात्मक लक्षण या क्वालिटेटिव फीचर्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम। अभी तक हमने जो पढ़ा था उसमें परमाणुओं के स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा था, लेकिन एक से अधिक परमाणु यदि जुड़े हुए हों या अणुओं के रूप में हों तो उनसे जो स्पेक्ट्रा उत्सर्जित होता है उसे हम आणविक स्पेक्ट्रम कहते हैं। यदि हम सामान्य स्पेक्ट्रोस्कोप से देखें तो जो आणविक स्पेक्ट्रम है वो सतत दिखाई देता है या बैंड्स के रूप में दिखाई देता है। और ये जो बैंड होते हैं, जैसे ये एक पूरे के पूरे बैंड को रिप्रेजेंट करता है, इसमें दीर्घ तरंग दैर्ध्य वाले क्षेत्र में देखें यानी कम एनर्जी के फोटॉन्स को देखें तो इनमें ये जो लाइंस मिलती है बैंड के अंदर वो बहुत ज़्यादा पास पास होती है और इसे हम बैंड का शीर्ष भी कहते हैं। और जैसे जैसे हम लघु तरंग दैर्ध्य वाले प्रास में जाएंगे, जैसे जैसे हम लघु तरंग दैर्ध्य वाले प्रास में जाएंगे तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो लाइंस मिलती है वो लघु तरंग दैर्ध्य वाले दीर्घ तरंग दैर्ध्य वाले स्पेक्ट्रम में जो लाइंस मिलती है उनसे दूर दूर होती है और इनकी इंटेंसिटी है वो इधर जो लाइंस मिलती है उनके इंटेंसिटी से थोड़ी सी तीव्रता है वो कम होती है। और ये जो बैंड्स मिलते हैं वो एक के बाद एक नियमित रूप से मिलते हैं, जैसे फर्स्ट बैंड मिल गया, फिर सेकंड बैंड मिल गया, फिर थर्ड बैंड मिल गया। तो जो आणविक स्पेक्ट्रम है उसको बढ़िया रेजोल्यूशन वाले, बढ़िया विभेदन क्षमता वाले स्पेक्ट्रोस्कोप से देखें तो यहाँ पे हमें बैंड दिखाई देते हैं नियमित अंतराल पे, और उन बैंड्स जो होते हैं वो बैंड शीर्ष होता है कहाँ पे, दीर्घ तरंग दैर्ध्य वाले क्षेत्र में। और जैसे जैसे हम लघु तरंग दैर्ध्य वाले क्षेत्र में जाते हैं या अधिक ऊर्जा वाले फोटॉन्स को देखते हैं तो उनमें जो लाइंस मिलती है उनके कारण उनमें अंतराल भी ज़्यादा होता है और उनकी जो तीव्रता होती है वो भी कम होती है। अब ये जो आणविक स्पेक्ट्रम है उसे भी हम देख रहे हैं तो लाइंस हैं वो हमें स्पेक्ट्रम के अंदर मिलती है। तो परमाणुओं की तरह हम बोल सकते हैं कि अणुओं के अंदर भी ऊर्जा स्तर होते हैं, और ये जो ऊर्जा स्तर होते हैं वो यहाँ पे तीन तरीके के हो सकते हैं। एक रोटेशनल एनर्जी के कारण, जैसे अणु किसी एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेट कर रहा है उसके कारण, तो उसको बोलते हैं हम रोटेशनल एनर्जी लेवल या घूर्णी ऊर्जा स्तर। दूसरा आता है कंपनित ऊर्जा, जैसे दो एटम्स हैं वो ये मान लें कि स्प्रिंग के कारण जुड़े हुए हैं तो ये क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, पास भी आ सकते हैं दूर भी जा सकते हैं। तो ये जो कंपनित ऊर्जा होती है, वाइब्रेशनल ऊर्जा होती है, उसके कारण भी ऊर्जा का स्थानांतरण होता है या फोटोनों का उत्सर्जन और अवशोषण होता है। उसके बाद में बात करते हैं लास्ट वाला, इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि जो स्पेक्ट्रम है आणविक स्पेक्ट्रम वो तीन प्रकार से जब ऊर्जाओं का स्थानांतरण होता है उसके कारण उत्पन्न होता है। पहला रोटेशनल एनर्जी लेवल्स में ट्रांजिशन हो, दूसरा वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स में ट्रांजिशन हो, और तीसरा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो, जब इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरा ऊर्जा स्तर में जाए। तो तीन तरीके के ट्रांजिशंस या संक्रमण आणविक स्पेक्ट्रम के कारण होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम घूर्णी ऊर्जा स्तर की, रोटेशनल एनर्जी स्टेट्स। तो जब अणु किसी स्वतंत्र अक्ष के चारों तरफ घूमता है उसके कारण घूर्णन ऊर्जा उत्पन्न होती है, और घूर्णन ऊर्जा स्तरों में यदि संक्रमण होता है एक घूर्णी ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन या परमाणु अणु ट्रांजिट करता है
तो यह स्पेक्ट्रम हमें मिलता है। इसमें एनर्जी देखें, दो घूर्णी ऊर्जा स्तरों के मध्य ऊर्जा अंतराल देखें तो 10^-3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी अंतराल होता है दो घूर्णी ऊर्जा स्तरों में। और इससे जो वेवलेंथ मिलती है संक्रमण के कारण, उसकी तरंग दैर्ध्य 1 सेमी से लेकर 0.1 मिलीमीटर तक हो सकती है। और ये दीर्घ अवरक्त क्षेत्र में ये तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन आते हैं। उसके बाद में कंपन ऊर्जा स्तर की बात करें तो दो कंपन ऊर्जा स्तरों में यदि अणु संक्रमण करता है तो उसमें जो ऊर्जा अंतराल होता है वो 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के समथिंग उसकी ऊर्जा होती है। और इससे जो फोटोन उत्सर्जित होते हैं उनका तरंग दैर्ध्य 0.1 मिलीमीटर से 780 नैनोमीटर तक होता है। और ये है जो फोटोन उत्सर्जित या अवशोषित करता है वो अवरक्त क्षेत्र में आते हैं। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन आता है। जब इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाता है तो ये संक्रमण हमें देखने को मिलता है। इसमें जो फोटॉन्स उत्सर्जित होते हैं वो पराबैंगनी क्षेत्र या दृश्य क्षेत्र के अंदर आते हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो आणविक स्पेक्ट्रम होता है या अणु होता है उसमें भी विविक्त ऊर्जा स्तर होते हैं। और ये विविक्त ऊर्जा स्तर हैं वो तीन तरीके के होते हैं, घूर्णी ऊर्जा स्तर, कंपन ऊर्जा स्तर और इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर, जिनमें जब अणु एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाता है तो हमें बैंड के रूप में ऊर्जा स्पेक्ट्रम मिलता है। और ये जो बैंड होते हैं वो नियमित अंतराल पे हमें प्राप्त होते हैं। साथ ही लघु तरंग दैर्ध्य प्रास में तो ये जो बैंड हैं उनमें लाइंस कम तीव्रता की होती है और दूर दूर होती है, लेकिन दीर्घ तरंग अंतराल पे ये बहुत पास पास होती है और बैंड शीर्ष का निर्माण करती है। तो इस तरीके से हम जो आणविक स्पेक्ट्रम है उसको एनालाइज कर सकते हैं, समझा सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।